जब मैंने पहली बार देखा था तब बिल्कुल एरोगेंट और इंट्रोवर्ट ऐसे टाइप के लगे थे मुझे. बट विथ टाइम मैंने उन्हें जाना और मुझे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है. लाइक वो जो मेरी जो फर्स्ट इम्प्रेशन था उनका वैसा था. बट विथ टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ही इज़ वेरी gentle, he's very kind, he's very caring person in life. Yeah. Naina milai ke more, naino me aai ke. Naina milai ke more, naino me aai ke. Apne hi rang rang di. से नैना मिलई के यार मैं सोच के तो नहीं गया था कि उनसे शादी करूँगा, बट जब उसको पहली बार देखा ना तो समझ में आ गया कि यही लड़की है. एक्चुअली जब मैं उसके घर में घुसा तभी मुझे लगा यार यहाँ कुछ होने वाला है. यार जब मुझे पापा ने फोटो दिखाई थी उनकी तो आई वॉज लाइक कि यार हाँ यार तुमसर की है, छोटे बहुत छोटी सिटी है, ऐसे ही होगा सब कुछ. मतलब कुछ ऐसा वैसे फीलिंग वीलिंग नहीं थी क्योंकि मुझे पुणे जाना था दूसरे दिन, बट लकीली हम लोग चले गए तुमसर और चीज़ें सेट हो गई. शादी के लिए तो यार मैं एक्चुअली अभी तक ज़्यादा नर्वस नहीं थी, बट अब हूँ क्योंकि अब मैं टोटली डिफरेंट घर में जा रही हूँ. आई नो वो लोग भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते होंगे मुझसे, बट मेरे भी दिमाग में मतलब मैं भी सोच रही हूँ कि सब अच्छा हो. मम्मी पापा को मैं बिल्कुल अपने मम्मी पापा जैसे रखूँगी. पुष्कर तो है ही, फिर जो है हम लोग की अंडरस्टैंडिंग जो है वो तो अच्छी है ही. बट एक नर्वसनेस हो रही है कि आगे कल क्या सिनेरियो होगा, कैसे डील करूँगी ये सब कुछ. बट या आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट. मैं बस यही बोलना चाहूँगा, जैसी हो वैसी रहो, मस्त रहो और किसी चीज़ की चिंता मत करो. मैं बहुत अच्छे से रखूँगा, मैं कुछ बनूँ ना बनूँ अच्छा पति ज़रूर बनूँगा. की मोरी सुध बुध है
चीनी मोसे तन मन की मोरी सुद बुद है चीनी काहे बलब दीवाना कर दीनी मोहे काहे बलब दीवाना कर दीनी छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब देखो टाका जी अरे टाका जी भाई घर वालों की पार्टी हो गई मूड में आ गए देखो काका जी अरे काका जी क्या खूब मिली है जोड़ी पर शर्मीली है थोड़ी ये चंदा जैसे भाभी पूछो मिली कैसे भाई नो 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 और लाया कहां से राजा जरा सा अपना ले बना जरा सा ख्वाबों में सजा तू जरा सा यादों में बसा मैं चाहूँ तुझको मेरी जा बेपना फिदा हूँ तुझ पे मेरी जा बेपना
रूबरू हो गए। बेटी हमारी आरुषि जो है, इसका जन्म जो है 23 जनवरी को हुआ और लकीली 23 जनवरी जो है वो उसका भी जन्मदिन है और उसके पापा यानी मेरा भी जन्मदिन आता है। तो उसके जन्मदिन को मनाते समय उत्साह जो है दुगना हो जाता है और बचपन से वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही। बहुत शांत स्वभाव की बहुत प्यारी बच्ची है हमारी। वैसे तो हर बच्ची प्यारी होती है लेकिन ये बहुत ही प्यारी है। क्या है कि बेटी किसी की भी हो, बहुत ही सुंदर किरदार है ये। ये तो बगीचे का एक ऐसा फूल की ऐसी सुगंध है कि जो पहले पिता का घर महकाती है और उसके बाद फिर अपने पति का घर महकाती है। दामा जी हमारे पुष्कर जी जो हैं बहुत ही बढ़िया इंसान हैं और बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत ही सॉफ्ट नेचर है उनका। बहुत सुखी रहेगी और बहुत खुश रहेगी उनके साथ और दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और आगे ही जिंदगी में इस तरह से वो लोग चलते रहेंगे। हम दोनों की तरफ से आरुषि और पुष्कर दोनों को बेस्ट ऑफ लक और इनके परिवार को भी खुशियां मिलती रहे और इनके परिवार के प्रत्येक सदस्य इन दोनों से हर समय खुश रहे और उनका भी आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहे हर समय। बस इतना ही कहना है। थैंक यू।